कौन सी जगह ठीक मानोगे कि आपकी वोट सही जाए और आपका काम हो, किसको सही मानोगे आप लोग? हम तो किरण कलकल को मानेंगे, और तो हमने तो फोटो भी ला रखे है हमारे घर में। आने वाले इस मैदान में कौन सही रहेगा आपके हल्के प्लेटफार्म पे काम करने के लिए? हमारे हल्के के प्लेटफार्म पर फिलहाल जो पोजीशन डॉक्टर किरण कलकल की है वो एक नंबर पे है। काम में भी, बात में भी, हर आदमी को बढ़िया तरह सपोर्ट करती है। तो किसको सही मानेंगे, कौन ठीक रहेगा जो आपने एक बार वोट देकर पांच साल पछताना ना पड़े? हम तो किरण कलकल को सही मानते जी। क्यों? उस ठीक है जी, हमारे लिए आपके लिए क्या ठीक किया उन्होंने? जान पहचान से जो हम काम कहते वो कर देती। मतलब जान पहचान की वजह ठीक कह रहे हैं या जनता के काम आती है? जनता के काम आती है। आज पहुंचे हैं चरखी दादरी के कोलावास गांव में, और आपको ये विधानसभा चरखी दादरी का कोलावास गांव यहां का ओपन सर्वे दिखाएंगे आपको। ये पहुंचे हैं आज यहां कोलावास गांव में, जैसे मैंने रास्ते के बताया है। नमस्कार जी, मैं हूं धर्म सोनीपत। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों, मेरा हाजुर राम राम। आज जैसे कि मैंने रास्ते का रिव्यूज दिखाया है, गांव कोलावास विधानसभा चरखी दादरी के अंदर में एक बिल्कुल ओपन सर्वे, जैसे मैंने रास्ते में से बताया है कि जहां भी लोग मिलेंगे पूरे गांव में चर्चा करेंगे यहां, और चुनाव के दौर का जो है ओपन सर्वे यहां दिखाने की कोशिश करेंगे। तो मेरे पास में सबसे पहले ये कुछ मौजूद लोग बैठे हैं यहाँ, इनसे बातचीत करना चाहेंगे और आपके सामने रखेंगे बारी बारी से सबकी राय। तो भाई जी राम राम आपको। नमस्कार। अपना शुभ नाम क्या है? अनिल कुमार राम। अनिल कुमार है। हाँ जी। आज निजी मैं आपके दिल की जानना चाहूँ, जनता की बात जनता तक पहुँचाना है, ये मीडिया काम है, सच का ही ना। क्या चाहते हैं आप लोग, क्या बदलाव चाहते हैं, क्या विकास चाहते हैं, और किसको सही मानते हो आप लोग? हम तो किरण कलकल को सही मानते जी। क्यों? उस ठीक है जी, हमारे लिए आपके लिए क्या ठीक किया उन्होंने? जान पहचान से जो हम काम कहते वो कर देती। मतलब जान पहचान की वजह ठीक कह रहे हैं या जनता के काम आती है? जनता के काम आती है। जो भाई ने बताया है, कुछ जवान यंग साथी भी हैं, मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा। खड़े हो लो भाई। भाई जी क्या नाम आपका? वीरेंद्र। इसी कोलावास गांव से है? हाँ जी। क्या चाहते हैं आप लोग, यंग हैं, जवान बच्चों की सोच क्या है, क्या बदलाव चाहते हो? हमारे गांव में से भी 10 बालक हर साल नौकरी लगे जी, और अब के जो चाचा है ये हमारे सरपंच है, और इनके संपर्क में ये वोट देंगे दिन को, उनको भी हम देंगे, और ये आगे बढ़ाने की जिन नुकसान। मतलब आप अपनी राय बताओ, आप किसको वोट देंगे, किसको चाहते हैं वोट? चाचा का होगा, उसने देवांगे हम तो। आप अपने मन की बताओ ना। इस मारे सारे वोट कट्ठे जा कर, मारे तो कट्ठे जा कर। आज सरपंच साहब कौन से हैं जी आप लोग? प्रधान जी। राम राम। राम राम। अपना शुभ नाम क्या है, दर्शकों बताइए? कृष्ण कुमार है। सरपंच मौके पर आप लोग? सीनियर हो गए जी। अगर मैं बात करूं तो आपको चुनाव की जी, आप एक अहम कड़ी है गांव की जी, क्या चाहते हैं आप लोग, आने वाले इस मैदान में कौन सही रहेगा आपके हल्के प्लेटफार्म पे काम करने के लिए? हमारे हल्के के प्लेटफार्म पर फिलहाल जो पोजीशन डॉक्टर किरण कलकल की है वो एक नंबर पे है। काम में भी, बात में भी, हर आदमी को बढ़िया तरह सपोर्ट करती है। बढ़िया काम के लिए अगर कोई भी जाता है तो उसके काम की हर प्रकार से मदद करती है। आप ये तो नहीं कि आप उनके नजदीक की उसमें तारीफ कर रहे हो, या उनका काम बोलता है? उसका काम बोलता है, उनका काम बोलता है। किसी भी काम के लिए, कोई भी अधिकारी के लिए जाते हैं, या कोई अपने पर्सनल काम के लिए जाते हैं, या कोई सर्विस के लिए जाते हैं, तो वो उनकी बायकायदे सुन के आगे की कार्रवाई करते हैं। जैसे आज जिला अध्यक्ष भी हैं पार्टी के, और जिला पार्षद भी हैं। जिला पार्षद भी। क्या आप तो, जैसे आम आदमी का तो वास्ता पड़ता नहीं पार्षद से जी, लेकिन सरपंचों का तो आना जाना विकास के लिए तालमेल जो है, ताल्लुकात रखने जरूरी होते हैं। क्या मानेंगे वो चेहरा जो कल कल सही रहेंगे डॉक्टर साहब, जो क्या बताएंगे? डॉक्टर साहब सही है, पहले आज से पहले? आज से पहले भी सही थी। ठीक रही मतलब? हाँ ठीक रही। जो जनता के सामने एक बड़ा जन सैलाब हुआ है उनके गांव में एमलोटा में, और काफी विकास को लेकर, हल्के को लेकर काफी जो सांत्वना लोगों में दी है भाई, आने वाले समय में कुछ मौका मिलेगा ये सेवा करेंगे, जनता चाहेगी, उनको एक उस नजर से देखेगी, जिम्मेदारी सौंपेगी, तो क्या उम्मीद है तो खरे उतरेंगे वो? 101% खरे उतरेंगे।
अपने वायदे के अनुसार वो 101% खरीद उतरे। जी थैंक यू प्रधान जी। एक अंकल जी और आने लग रहे हैं जी, बिल्कुल बारी बारी से एक एक आदमी का रिव्यूज लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। अंकल जी राम राम जी। क्या नाम है अपना? मनोहर लाल। मनोहर लाल जी, आज मेन बड़े बुजुर्ग हैं आप लोग और चुनाव की गर्मा गर्मी है, एक शॉर्टकट में बात करूं तो कौन सा चेहरा ठीक रहेगा मैदान में आपके हल्के के लिए, जो आने वाले समय में किसको देखना चाहते हैं विधायक जो है? भाई मैं भी रहा। फिर आप और बड़े हो जी, आपको नहीं बेरा, बच्चे के बेरो पढ़े लिखे से मुबारक से ज्ञान से हमने किए ज्ञान से पढ़ाने बता। और एक और चीज है, मैं कुछ दूसरी दिशा में और दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये नहीं कि जहां 10 आदमी एक जगह बैठे होंगे उनसे राय ले ली, और कुछ हमारी मातृशक्ति बहने भी उधर हैं, मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा, एक दो बात ये भी कुछ बताने चाहेंगे, इनके मन के राय लेंगे। बहन जी कोई नहीं इधर आ जाओ। बहन जी राम राम जी। क्या नाम बहन जी अपना? गुड्डी। गुड्डी बहन जी, और आज गांव में भी इतने सादे लोग नहीं रह रहे, पता होता हमारी वोट की कीमत क्या है, गलत डालोगे तो 5 साल पछताना पड़ेगा आपने। कौन सी जगह ठीक मानोगे कि आपकी वोट सही जाए और आपका काम हो, किसको सही मानोगे आप लोग? हम तो किरण कलकल को मानेंगे। किरण कलकल को? हम तो उससे के देवांगे, हमारे तो मम्मी तो फोटो भी ला रखा है हमारे घर में। घर में फोटो ला रखा है? हां। क्यों ला रखा है, क्या वजह है? अच्छी खातिर लगा रखा है, अच्छे काम करवाओ हमारे, सही हमने देख हमारी सुनाई कर। मैडम ओ बहन जी, क्या खा रखा आपने कलकल का? हमने कुछ ना खा रखा, हमने तो बेचारी देखी भी ना हसे कलते भी, फिर हम तो सुनाए हैं उसने। मतलब उसकी तारीफ सुन रहे हो? हाँ, और अच्छा मान रहे हो? तारीफ तो अच्छी मान रहे हैं। हाँ जी। हाँ जी। कुछ ये बहन जी और खड़ी सिर्फ जाने को से। बहन जी क्या नाम आपका? संतोष। संतोष बहन जी, जो ये दूसरी बहन बता रही है, क्या गुड्डी? हाँ। क्या बता रही, सही बता रही? हाँ सही बता रही। आप किसने सही मानो, कौन आना चाहिए एमएलए? हम करण कलकल। पीछे थोड़ा और हटके दूसरी दिशा में आपको और लेके जाऊंगा और वो भी जानने की कोशिश करेंगे, यहाँ घर में भी जानने की कोशिश करूंगा मैं, ये इनके गली में रिव्यूज ले लिया मैं, कुछ हमारी मातृशक्ति का हिस्सा माताएं बहने और अंदर भी हैं, जानने की कोशिश करेंगे। बहन जी नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है गुड़िया आपका? रचना। रचना, आज कितना पढ़ी आप लोग? 12वीं पास हो। चुनाव का तो पता होगा बेटे आप लोगों ने कि आज चुनाव की रेस में कई चेहरे आ रहे हैं जो एमएलए की रेस में, विधायक की में, तो आप भी छोटी बहन हैं, तो किसको सही मानेंगे, कौन ठीक रहेगा जो आपने एक बार वोट देकर 5 साल पछताना ना पड़े? किरण कलकल है, जो हमारी सारी बातें सुनती हैं और बात भी अच्छी करती है, हम बात जाते हैं तो उनकी बड़ी इज्जत करती है हमारी और सारे काम करती हैं वो। मतलब किरण कलकल ठीक मानते हो आप लोग? एक क्या मैं थोड़ा दूसरी साइड में लेके आया हूँ आपको, और कुछ यहाँ परिवार के लोग रहते हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। एक मिनट भैया, है कोई यहाँ? ये ताई बैठी है आड़ा। ताई जी राम राम। ठीक सो ना? ठीक सो। अच्छा, क्या नाम है ताई अपना? बुग्गा। हैं? बुग्गा। बुग्गा, आज चुनाव का तो बेरा होगा, इलेक्शन सिर्फ आ रहा है। कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा, ताई ने कुछ कम सुना है, ये बहन जी है, एक दो बात इनसे लूंगा मैं। बहन जी क्या नाम है? सुदेश। आज कितना पढ़ी बहन जी आप? 8। 8 क्लास पढ़ी हो। आज चुनाव का तो पता होगा बहन जी आपने कि गर्मा गर्मी काफी हो रही है इलेक्शन को लेकर, आप एक महिला हैं और आज ये नहीं कि जनता इतनी बोली बाली है उनको बका के लोग फायदा उठा लेंगे और 5 साल पछताना पड़ेगा, किसको सही मानो आप लोग, अब उसको वोट दें और हमने पछताना नहीं पड़े, हमारे काम हो। किरण चौधरी जिसको वोट दे, हमारे काम आओ। किरण कलकल को? हाँ कलकल। आज एक युवा साथी और हैं, मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा क्योंकि बारी बारी से भैया थोड़ा आगे आइए। भाई जी राम राम। राम राम। क्या नाम अपना? सचिन नाम। सचिन नाम है, क्या काम करते हो आप लोग? ये फिलहाल तो कुछ नहीं, घर का है। घर का खेती बाड़ी, भैंस वैसा काम करना। जी कितने पढ़े आप लोग? बीए कर रखे जी। बीए, वेरी गुड, थोड़ा आगे ना जाओ, मैं डर लग गया थोड़ा। हाँ क्या मानेंगे आप लोग, जो एक युवा साथी, क्या विचार आपके
किसको सही मानते हो आप लोग? हमने एक बार वोट देकर पछताने पड़े 5 साल। देखो जी, वोट तो उससे देना चाहिए जो बार बार काम आवे, ठीक, जो जनता की सेवा करे। किस पे उम्मीद आपने? किरण कलकल जी। क्यों? क्योंकि जी वो हमारे बार बार काम आवे, हर जगह पे खड़े पावे। ये काम आ जाए आपके गाँव पूरा जी, कितने भी देख लो आप, जित भी मतलब बुलाई है उड़े मतलब साथ खड़ी पाई है, मतलब जो काम चाहा वो आगे तैयार मिले। होया जी? जी हाँ होया जी। आज ये देखिए आप लोग, बार बार से कई जगह कुछ गांव के परली साइड में भी, कुछ इस साइड में भी ये रिव्यूज लिया है। ये बहन जी हैं और ये साथी हैं, बी जो है पास है, ग्रेजुएशन है, और इन्होंने खुद बताया यानी कि अनपढ़ लोगों को, भोले भाले लोगों को पागल बनाना और वोट लेना। लेकिन आज युवा साथी भी, पढ़े लिखे भी, अगर कुछ ये जन जन के मुंह पर ये आता है तो कोई शायद अच्छा ही होगा। और आप लोग भी इसको ज्यादा शेयर करते रहना, और आपको जो अच्छा लगे वो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना, और बना लोक शक्ति मीडिया से। धन्यवाद। सत्यमेव जयते।